अड्डा मिल चुका है अपने को चूल्हा लगाने का, और चूल्हा लगाते हुए यहाँ पर मैन वर्सेस वाइल्ड बियर गिल्स मौजूद यहाँ पर चार। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का प्लान कुछ ऐसे है, आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड के एक फेमस टेम्पल में, इसका नाम है गिरजा, और जो रामनगर में है उत्तराखंड में। तो उससे पहले जो ब्रिटिश पुल पड़ता है, पहले वहाँ जाएंगे, थोड़ी सी कैंपिंग करेंगे और डोंगे डोंगे लेके जा रहे हैं, बर्तन बर्तन वहीं मैगी जैगी बनाएंगे, मस्ती करेंगे पूरी बीच जंगल में। तो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शो हमारे ब्लॉग्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे, ठीक रहना, मजे करो, मत रो। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, पाँच दोस्त जा रहे हैं हम, और बाकी सब वहीं मिलेंगी, समझ रहे हो? ठीक, जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। सीन ऐसा है, तो घर से तो निकल चुके हैं, सारा ठंड का प्रकोप आप भगवान ने हमारे लिए किया। बाकी यहाँ से हम तीन बंदे निकल चुके हैं, बाकी वहीं मिलेंगी। तो तेज हो रहे हो, मिलेंगी का मतलब और कुछ है। तो घर से कुछ ज़्यादा हम खा के नहीं आए, तो जहाँ जगह मिलेगी बीच जंगल में वहीं, ये करण भाई हमारे साथ जा रहे हैं, ये बनाएंगे, ये मैगी बनाएंगे बीच जंगल में उतर के, कुकिंग मास्टर। तो मतलब पूरे मजे आने वाले हैं, एडवेंचर ही एडवेंचर, बाकी और कुछ नहीं कहना। भाई सारी सीटें घेर लेना, आगे से लेके पीछे तक, आगे से लेके पीछे तक, टांगे चौड़ी चौड़ी कर लेना अपनी। हाँ जल्दी एक एक करके सारे बैठ जाओ, एक रह गया, लाउंड रह गया, एक रह गया, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। तो जैसे ही हम रिक्शा से उतरे, वैसे ही बस मिल चुकी थी, बस इससे मिली क्योंकि हमारे दो बंदे वहाँ तैनात थे, एक का नाम सूरज, एक का नाम नितिन, ये दोनों बंदे वहाँ तैनात थे। बंदे की बात हम अपने पास कर रहे हैं, अपने पास एक दो तीन चार बंदे जा रहे हैं और पांचवा मैं हूँ, बाकी वहीं मिलेंगी, ठीक है। तो भाई सीन ऐसा है, कुछ की रामनगर पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से बस से उतरेंगे, फिर ऑटो पकड़ेंगे, मतलब बिना मंजिल चलते ही जाना है, रुकना है ही नहीं कहीं, और रुकने के बाद ऐसे नज़ारे, और वहाँ जो मिलेंगी वो अलग मिलेंगे। तो बंदे तैनात करे आराम आराम से, थोड़ा थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। का ड्राइवर है या हम ले जाएं? गिरजा मंदिर जाना है? हाँ बैठो, सही लगाओ, क्या लगाओगे? सब दे दियो, बैठो। क्या सवारी के साथ जाओगे? बुकिंग पे होगा ना? बुकिंग पे नहीं, सवारी के साथ जाना, मतलब 30 रुपये सवारी भाई, 30 रुपये सवारी, चलो ठीक है, बैठ जाओ भाई, खड़े हो ना, हम ले जाने वाले थे, अच्छा आप टाइम पे आ गए। भाई सब लोग तैयार हो? ठीक है, और पूरा एडवेंचर मजे से लेना, अल्टीमेट, ठीक।
कितने लिए? रामनगर की वादियों में स्वागत है कॉर्बेट एरिया के साथ, और पूरे 150 रुपए में 5 बंदे यहाँ पहुँचे ब्रिटिश पुल के साथ। कितने में? 150 रुपये में। 150 रुपया देगा। यहाँ कैंटीन शुरू हो चुकी है यहीं से, और आगे इतने एडवेंचर होने वाले हैं। बाकी सफर बिना मंजिल मजा आए सब। और ये बंदा कुछ नहीं बोलता कभी, सफर बिना मंजिल। तो मैं यहाँ ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, और ये बंदे ऐसे छोड़ के जा रहे हैं जैसे मैं कोई गुमशुदा की तलाश में आया हूँ। ये देखो, मतलब चले जा रहे हैं, पता नहीं, मतलब शूट कर रहा हूँ इधर उधर का, रुक नहीं सकते, चले जा। भाई कहाँ हो तुम? अच्छा, आ रहा हूँ। क्या बताऊँ, इतना आनंद आ रहा है ना यहाँ आके, मतलब एक नंबर। बाकी नीचे एक नदी जा रही है, वहाँ जा रहे हैं नीचे, वहीं पे मैगी सैगी बनाएंगे, मज़ा आने वाले हैं, खूब मज़ा आने वाले हैं। मैगी बनाएंगे खुद से, लेते हम यहाँ से भी सकते थे पर वो मज़ा नहीं आता। अब बाकी यहाँ हवा हवा चल रही है और पूरा ख़तरनाक सीन, एडवेंचर ही एडवेंचर। देख रहे हो पीछे का सीन, मतलब उतर के आना पड़ रहा है, इतने बड़े बड़े पत्थर। उत्तराखंड की बात ही अलग है मेरे भाई। तो भाई नदी के पास पहुंच चुके हैं, और इतनी साफ नदी है ना, मतलब अंदर का दिख रहा है, अगर नंगा आदमी कोई लेट जाए ना यहाँ पूरा साफ दिखेगा। दिखाता हूँ, नहीं नाला 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 बोलो, नदी बोलो भाई, यहाँ तो सभी शुद्ध है। पहाड़ सब साफ, पहाड़ में भाई सब साफ। तो भाई जिस पल का इंतज़ार था वो आ चुका है। ये ब्रिज देख रहे हो आप, एक नंबर, मतलब हवा चल रही है और ये ब्रिज इतना हिलता है ना, मजाक कर रहा हूँ। ये जो पीछे आप ब्रिज देख रहे हो ना, बड़ा ख़तरनाक ब्रिज है भाई। इतने सालों से ये ब्रिज यहीं पर है टिका हुआ, और यहाँ लोग फोटोग्राफी करने भी आते हैं। इस ब्रिज का नाम, वैसे तो इसे झूला पुल भी बोलते हैं, पर इसका नाम ब्रिटिश पुल है। और बाकी चलते हैं इस ब्रिज में ही, और मज़े आने वाले हैं यार बड़े, क्या बताऊँ, एडवेंचर ही एडवेंचर भाई। ऐसे ब्लॉग देखो, एंजॉय करो लाइफ, आगे बढ़ाओ, उदास मत रहो कभी, ऑलवेज हैप्पी। तो भाई ब्रिज के नीचे आ गए हैं यहाँ पर, अब लगी है बहुत जोर की भूख, और भूख लगी है तो भाई खाने के लिए कुछ चाहिए, तो हम लेकर आए हैं यहाँ पर साथ मैगी। भाई साहब इसमें जाना बहुत गहराई है। बर्तन हम सब लेकर आए, पतीले से ले गए, चम्मच से ले गए, दोने से ले गए, सब कुछ लेकर आए, लौंडे भी अपने साथ ही हैं सारे। तो भाई अब यहाँ पर चूल्हा वूल्हा लगाएंगे, आग लगा के देखते हैं मैगी कैसी बन पाती है। चूल्हा लगा पड़ा है जिंदा यहाँ पे, पर यूज करने की दे रहे उसको। तेरी देर हो रही है, यहाँ चूल्हा लगाने की जगह नहीं मिल रही, और पेट में चूहे कूद रहे हैं, यहाँ भूख लगी पड़ी है। कुछ बोलना है आपको? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अभी कोई मूड नहीं है किसी का बोलने का भाई, मैं तो तुम्हारे साथ हर टाइम बोलता ही रहता हूँ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हर टाइम हूँ। जैसे मैगी ने जगह लिया ना तुम्हारे दिल में, वैसे मैं भी तुम्हारे दिल में जगह ले लूँगा। तो भाई पूरे अड्डा मिल चुका है अपने को चूल्हा लगाने का, और चूल्हा लगाते हुए यहाँ पर मैन वर्सेस वाइल्ड बियर ग्रिल्स मौजूद यहाँ पर चार,
पांचवा में आऊँ। तो पीछे के नज़ारे देख रहे हो, मतलब एक नंबर प्राकृति की सुंदरता के साथ मैगी खाई जा रही है, वो भी खुद बना के। अब इससे ज़्यादा भाई क्या ही मज़े ले सकते हो यहाँ आके। और मतलब यहाँ पे आओगे ऐसी जगह पे आग ना लगाएं जैसे कि जंगल वंगल चल जाए, अलग से एक कोने में जाके मतलब किनारे में जाके लगाएं जहाँ पत्थर वत्थर हो ज़्यादा, पेड़ पौधे ना हो। ठीक है, हेलो हेलो, माइक टेस्ट। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे भाई बड़े कष्टों के साथ इन बेयर ग्रिल्स ने सबने यहाँ आग लगा दी और मैगी बन जाएगी जैसी। भाई मेरे को बुला लेना, ठीक है, मिनट का ब्रेक लेके तब तक मैं वीडियो वीडियो शूट करके आता हूँ। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मजाक कर रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा, लौंडों का साथ दे रहा हूँ। ठंडो पानी ठंडो पानी, मैगी 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 मैगी, ये भी मैगी पलटेगी तब पता चलेगी भाई। होटल में तो बांटने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है यहाँ पर सूरज के द्वारा। तो मैगी खाते हैं फिर मिलते हैं। क्या करें फिर, चम्मच से हाथ से खाओ और क्या, यहाँ पत्थर को काट के चम्मच बना लो आदमी मानव की तरह। बादलों के उड़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। भोजन सब हो चुका है, मैगी ग्रहण कर ली। अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते यहाँ पर। एरिया भी थोड़ा डेंजरस है ये, तो निकलते हैं। आप सीधे जाएंगे उधर मंदिर की साइड। मंदिर देखा है? तो इस ब्रिज के नीचे बड़े मजे आए, खाया पिया ऐश करा। अब इस ब्रिज को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। क्या कह रहे हैं? अलविदा को अलविदा, दोबारा आएंगे, दोबारा फिर मिलेंगे किसी दिन। हाँ, एक पुल से तो निकल चुके हैं, जो आगे का सफर होने वाला है पूरा जंगल ही जंगल है। अगर चीते ही दिख गए तो फिर क्या होगा? बाघ मिलेगा? ऐसा मत बोल भाई, बंदे आगे से डरा रहे हैं, बाघ मिलेगा। तो भाई यहाँ हम बिल्कुल ठीक टाइम पे पहुँच चुके हैं, रहा रात के टाइम मत ही आना, नहीं तो तुम्हें भूत अलग मिलेंगे, शेर अलग, चीते अलग, बाघ अलग, मतलब तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। इन सब का क्या कहना है, देखो प्रकृति का गहना। वाह, ऐसी शेर और शायरी हम बोलते रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं जिससे कह रहा था कि वहाँ मिलेंगी, पीछे है, पीछे नहीं है बे, तो कहाँ है?
मैं इस प्रकृति की बात कर रहा था कि प्रकृति की हवा मिलेगी, सुंदरता मिलेगी, उसकी बात कर रहा था। तो इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप गाइस एंजॉय दिस ब्लॉग। इससे आगे की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी। तो आई होप कि आपने यहाँ सब इंजॉय किया होगा। बाकी आगे की जो गिरजा मंदिर की स्टोरी है नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही।